नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। जिस तरीके से असेंबली इलेक्शंस को लेकर अब लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जो हमेशा से चर्चाओं का विषय रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस, लेकिन इस अलायंस में कितनी मजबूती है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है वो रेज हो चुका है। अगर बात करेंगे इन दोनों के अलायंस की, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की, अब इनमें भी फूट पड़ती नजर आ रही है। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये उमर अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी और कांग्रेस का जो तमाम जो आला कमान है, जो हाई कमान है, वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर सीरियस नहीं है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा है, उमर अब्दुल्ला ने कहीं ना कहीं अक्यूज किया है राहुल गांधी को कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से अलायंस को दोनों तरफा जो काम है वो करना चाहिए, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को दोनों पार्टियों को ताकत झोंकनी चाहिए। ये ताकत झोंकने का काम कहीं ना कहीं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में कर रही है, वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में नजर आ रही है, क्योंकि कोई भी रैली जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की तरफ से तब तक ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी। अब जब ये बात उमर अब्दुल्ला ने कह दी, उसके बाद कांग्रेस के जो लीडर है, यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी की, वो लगातार अब रैलियां जो है वो जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। अगर आज की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से दो रैलियां राहुल गांधी की ऑर्गेनाइज की गई है, एक छंभ में, दूसरी रामगढ़ में। तो ये दो रैलियां जो है वो आज कांग्रेस की तरफ से होने वाली है, लेकिन सवाल यहां पर ये उठते हैं कि आखिरकार इन दोनों का जो गठबंधन हुआ है, जो अलायंस जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में हुआ है, वो कितना मजबूत है। अब इन तमाम चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अलायंस के अंदर जो दो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लेकर बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से कि कहीं ना कहीं लोग भी अब जो है वो कंफ्यूज हो चुके हैं। जहां पर उमर अब्दुल्ला हमेशा से कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी रहे हैं, उन्होंने साफ तौर से पहले तो इलेक्शंस लड़ने के लिए मना किया, अब जब इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद अब उन्होंने दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की जो है वो यहां पर उनका ऐलान किया। अब इसी बीच में आपको बता दें कि यहां पर उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर से कहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन कैंपेन है उसको लेकर सीरियस नहीं है, और साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर हाजी राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पार्टी के फ्लैग्स यहां पर चोरी करने के आरोप, ये बड़ा संगीन आरोप जो है वो उन्होंने लगाया है। उन्होंने कहा है कि कॉलिशन जो है वो एग्जिस्ट अब नहीं कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तमाम इस तरीके का कुछ काम किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी ठंडे बस्ते में चल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में जो फूट है वो देखने को मिल रही है। जहां पर एक तरफ हम देखें तो बीजेपी की आइडियोलॉजी और आइडियोलॉजी जो है वो काफी क्लियर है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो अकेले इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शंस लड़ेंगे, और तमाम बड़े चेहरे जो है वो यहां पर बीजेपी ज्वाइन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, और लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के द्वारा जो कॉलिशन किया गया है वो खुद में कितना मजबूत है, अपने आप में ये बड़ा क्वेश्चन जो है वो अराइज करता नजर आ रहा है।